के सिरसा ब्रांच में एक युवक के डूबने के समाचार से गांव हजवाना में मातम पसर गया है। बताया जाता है कि कल सुबह हजवाना गांव के 10-12 युवक एक दोस्त का जन्मदिन मनाने आए थे। युवक अभिषेक ने बताया कि जन्मदिन मनाने के बाद सभी दोस्त नहर पर पहुंच गए थे, जहां दो युवकों ने सिरसा ब्रांच नहर में छलांग लगा दी। भाई लगता था। क्या नाम है उसका? अनिल है जी। कैसे आए थे यहाँ पे? हम यहाँ पर कुंडरी बर्थडे मना रहे थे जी, यहाँ पर नहाने आए थे। करण का बर्थडे था जी। वो भी भाई लगता तुम्हारा? हाँ, वो बेटा लगता है जी, बस नाते में तो। अच्छा। हाँ जी, यार इकट्ठे आए थे? हाँ, सब इकट्ठे आए थे। कितने लोग थे? हम कम से कम 10-15 लोग थे। क्या नाम है उसका जो डूबा? अनिल है जी, वैसे काड़ू कहते हैं। गिरा है या छलांग लगाई है? छलांग लगाई है जी उसने। क्यों पता नहीं, वैसे कह रहा था कि ना होकर ना कहूंगे। दो बंदे ने छलांग लगाई जी ने। अच्छा, एक आ गया? हाँ, एक तो आ गया। इस बात को टाइम तो याद नहीं है जी। हम तो बचाने के चक्कर में गिर पड़े थे जी, फिर अस्पताल में गए जी पट्टी कराने। लगभग 2-2.5 घंटे हो गए? हाँ, हो गए जी। क्या नाम था उसका लड़का? अनिल है जी, यार वैसे काड़ू कहते हैं जी। उम्र कितनी है उसकी? 28-29 साल होगी जी। ये हादसा ये 7-8-10-12 लगे थे क्या बता रहे हैं जो यहाँ पे, ये कुछ बच्चे बर्थडे मनाने के बाद यहाँ पे बैठ के घूमने फिरने आए थे। घूमने फिरने बाद इस नहर में नहाने के लिए दो लड़के कूद गए, तो एक लड़के को तो बता रहे राहुल को तो बचा लिया, लेकिन अनिल को नहीं बचा पाए। बाकी इसकी तलाश कर रहे हैं, पानी बहुत अधिक है, प्रयास जारी है। हमने फ़ोन भी किया है, पर जो प्राइवेट गोताखोर से भी बात की है तो वो बाहर होने के कारण उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की है। और बाकी हम और भी संपर्क कर रहे हैं, जो नहर विभाग का इरीगेशन विभाग के DRO हैं उनसे भी पानी कमी कराने के लिए रिक्वेस्ट की है। और भी जो जो जिस जिस डिपार्टमेंट से हमारे को मदद मिली, हम पूरी तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी हर तरह से।